उसके लिए
सारी बातें एक तरफ है, समाज सेवा भी करनी है, चीजें भी करनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन पैसे तो पैसा तब आएगा जब हमारे पास 3,000 इस बार इंटरनेशनल का भी हमारा काफी ठीक चल रहा है, भगवान करे कि हमारे पास 50-40-50 कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं वो भी आ जाएंगे। और बाकी आप जान रहे हैं कि एकेडमिक्स यहाँ की बहुत अच्छी, मैं चेयरमैन साहब को खुद देते दिलचस्पी, बगैर सर आप अभी घूमते फिरते ना हॉस्टल से या पहली सड़क से किसी दो बच्चों को ग्राउंड में ना यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, आपकी पढ़ाई ठीक हो रही है, कोई और दिक्कत नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा विश्वविद्यालय की सही दिशा में है या नहीं। आप ज्यादा आपके बीच समय ना लगाते हुए मैं बड़ी इज्जत के साथ ऑनरेबल चांसलर साहब इन्वाइट करता हूँ, वो आए हमें आशीर्वचन दें, गाइडलाइंस दें, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, हम क्योंकि आपके तजर्बे के बहुत बड़े कार्य है सर। इन्होंने इतनी जान लगा के कभी 4 बजे शुरू हो जाते हैं, कभी 3 बजे मेरे को मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसेस थे मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा कि एक जो पूरे इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का टेक केयर है, केयर टेकर है, वो इतनी पेन लेके अपने दिल से काम लगा हुआ है, उसी का जो सबसे बड़ा श्रेय हो जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज सर अभी बता रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में 3,000-1,500 बच्चे हमारे अभी हो गए, जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी बाकी के होते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल में इतने बच्चे सर के साथ साथ आपको भी श्रेय जाता है, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेशन से आपकी मेहनत से जो आज बच्चे हमारे पास हैं, और वो बच्चे इतने खुश हैं, सर को शायद नहीं मालूम कि मैं बच्चों से रेगुलर कॉन्टेक्ट में हूँ, मैं उनसे डेली बात करता हूँ 1 से 2 से 4 से, पर एक इस बात का ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन जो है एक जो डायरेक्ट कंज्यूमर होता है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम काम करने वाले या पड़ोस के लोग, तो मैं उनके साथ बहुत डीपली टच में हूँ, और 90% जो पॉजिटिवली का जवाब आया है दे आर वेरी हैप्पी है एंड दे वांट टू ग्रो आल्सो। मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ बेटा इधर पढ़ने आओ, तो पढ़ने के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दीजिए जिससे कि आपका फ्यूचर बढ़ेगा, कल को आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपको इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछता है, आप एक भी जवाब नहीं दे पाते तो उसका क्या फायदा। फिर मैंने मोस्टली उनको एग्जाम्पल ये देता हूँ कि जब मैं इधर इंटरव्यू बच्चों से लेता हूँ, तो एक बच्चे का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैंने उनको ही केम फॉर द इलेक्ट्रीशियन, तो मेरे को थोड़ी नॉलेज थी, तो मैंने उसके 3 या 4 सवाल पूछे, 4 सवाल में तो एक भी जवाब नहीं दे पाया। मैंने पूछा बेटा आपने एक कोर्स किया है तो ये कैसे आपने कैसे आपको पता दिए, तो उसका जवाब कहते ना सर मैं एक दिन भी कॉलेज में नहीं गया। तो मैंने कहा आपका फ्यूचर आपके 4 साल बर्बाद हुए, क्या किया आपने 4 साल, मैं अपने हमारी यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में यही सोच रहा था कि अगर एक बच्चा 3 साल पैसे दे रहा है कुछ करके नहीं आता और उसका फ्यूचर क्या है जीरो। तो मैंने सर से इसी बात को काफी लंबी मोस्टली डिबेट ही होती है कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं क्या उनको अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाना उन्हीं की ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को देखो अगर यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है तो मेरा नाम ये नहीं अकेले का पढ़ता, आप लोगों का सबसे पहले पढ़ता है, कल को आप बोल सकते हैं आपकी मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा के आया हूँ और मेरे बच्चे इतने पावरफुल निकल गए। ये श्रेय सिर्फ हम मेरे को या सर को किसी को नहीं जाता है, ये सब आप लोग एक फैमिली की तरह से एक टीम की तरह से जो काम कर रहे हैं अंदर, और मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने बोला चलो मेरे को दिखाओ जो एग्जाम वगैरह हो रहे, तो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि एवरीथिंग वॉज गोइंग सो परफेक्ट एंड प्रोफेशनली वेयर नॉर्मली इट्स नॉट लाइक दैट। I have been with the schools and colleges and all that. I could find that way, you know, where. And suddenly, what happened? Poppy brought one boy. वो छोटा सा 15 साल के इंसान है, घूमता था. तो I was really surprised कि how you have got it. तो he told me I am watching them very carefully. I am on their head all the time whenever I am standing there. That's the right way. Really, I really appreciate all of you. तो मेरे को उस दिन बड़ी
एक्सट्रीमली खुशी हुई कि जिस तरीके से ड्राफ्ट और तब्दीली हुए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने 3000 एक शुरू किया है मिशन, मिशन शुरू की है, उस मिशन का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि हर आदमी को अपने सराउंडिंग को ठीक रखने का एक आइडिया मिले। वो कैसे मिलता है? जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में सोचेंगे नहीं। अभी उस उसके जरिए जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसके अंदर डाली जाती है और हर प्रॉब्लम के ऊपर डीपली काम किया जाता है। उससे मैं आप सबसे आज इसी मेरा मेन मुद्दा आपसे मिलने का ये था कि मैं एक तो पहले पूरा साल आपसे मिला ही, मैंने देखा है वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो मेरे को जानते हैं, मैंने नहीं जानते। तो आज मेरे को बहुत खुशी कि मेरे को बीसी साहब ने मौका दिया कि बैठ के आपके सामने बातें करूँ और आगे के फ्यूचर के बारे में जो आपके प्लान्स हैं। मैं हमेशा खुश होऊंगा अगर आपके दिमाग में कैसा भी प्लान है, आप अपने सीनियर से जरूर बात कीजिए। डोंट हेजिटेट एनी टाइम इन योर लाइफ बिकॉज यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर। स्टूडेंट्स आर लाइक लाइक इट, तो उनको तो हमने बनाया, अगर हमें नहीं पता होगा तो उनको कैसे आगे लेके जा सके। दूसरा मेरे उसी बात में आता हूँ, 3000 जो हमने वो शुरू किया है उसमें आप सबकी एक, मैं आई विल रिक्वेस्ट यू वेरी एक्सट्रीम रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने सराउंडिंग कोई भी कमी पेशी देखते हैं, कोई गलती देखते हैं, कोई गद देखते हैं, उसके ऊपर आप डीपली ध्यान दीजिए। जैसे आप अपने घर को देखते हैं, ये आपका, ये समझिए कि आपका ये दूसरा घर यही है और इसको आप ही कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। आपको आपको पता होगा तो आप बच्चों को भी बताएंगे और ग्रेजुअली क्या होगा कि दिस विल गो इन द सिस्टम। दैट्स व्हाट इज माय ड्रीम, दैट एवरीबॉडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल देयर सराउंडिंग्स, देयर स्टूडेंट्स, देयर रिलेशंस, देयर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उसके अंदर यू आर फ्री टू गो इन एंड राइट योर एनी काइंड ऑफ सजेशन। ये सबसे बड़ा मेरी बात थी जिसके लिए मैंने आज आपसे मिलने की हिम्मत ले ली, क्योंकि नॉर्मली मेरे को कुछ भी होता है मैं शायद मेरे पास कम टाइम होता है या मैं आई एम नॉट रेडी टू मीट यू गाइस, बट इन फ्यूचर कुछ भी आपको होता है तो एक मैं ये कह रहा था कि एक सजेशन बॉक्स जरूर मेरे वहां बात किए, जिससे कि कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है करूं नहीं करूं, क्या मैं राइट करूं गलत करूं। तो आई रियली अप्रिशिएट, वी विल पुट सम सजेशन बॉक्स इन द यूनिवर्सिटी हियर इन दिस बिल्डिंग and anybody has any kind of suggestion, I'll appreciate if they simply write you words and just put in that one, that will be 100% confidential, will not be disclosed to anyone, this will be discussed if there is any kind of matter which will be benefiting to the university, us matter ke baat karke hum aapke jariye usko hum theek karne ki koshish karenge। Aur teesri ye baat जो हमारे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए, मैं इनको सबसे पहले इनको बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरे को पता ही नहीं लगा कि 3 साल बीत कैसे गए। मतलब देखो अच्छी चीज जो होती है वो अच्छे तरीके से बीते हैं तो उसका मजा ही कुछ होता है। जैसे सबने भी बोला कि कोई हमारी कोई FIR नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होने, ये देखो अगर आप लोगों का पूरा कंट्रोल ये नहीं किसी को आपने मारना है सुधारना है, जस्ट कीप ओपन योर आईज ऑल द टाइम, किधर कुछ नजर आ रहा है don't react immediately, simply write, put on paper and give to the suggestion box. I really appreciate that. उससे क्या होगा आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, देखो हर आदमी को कोई ना कोई चीज की परेशानी रहती है, कोई चीज की जरूरत रहती है, जब तक वो अपने अंदर से बोलेगा नहीं तो एक तीसरे आदमी को उसके बारे में पता ही नहीं लग सकता कि उनको चाहिए क्या, क्या परेशानी। तो आज आप मेरे साथ प्रोमिस कीजिए कि आप जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है उसको आप पूरी तरह से देखेंगे और करेंगे, बताइए बोलो। यस थैंक यू वेरी मच, रियली रियली अप्रिशिएट। और बाकी ये है कि आप फ्यूचर के बारे में जो 3000 बच्चों की बात की है, मेरे को नहीं लगता कि किसी इंडिया के अंदर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने पहले 3 साल में ये अचीवमेंट किया है जो हमने कर लिया है। और मेरे को अगले साल का कोई डाउट नहीं है, I am very very confident of that that we cross 3000 students easily and without any hassle and this and that. Teesri baat, management is always with you.
होगी, अगर मैनेजमेंट अपना हाथ बांध के रखेगी आपका तो आप काम ही कैसे कर सकते। ये मेरी सोच मेरी ये कहती है कि काम बंदे दिया जाए उनको तरीके से, उनको हर तरह की मदद मिलनी चाहिए और वो उसके लिए आपके सामने आपका चांसलर मौजूद से रेडी टू हेल्प यू फॉर एवरी काम एवरी Thank you.